शिवपुरी जिला अस्पताल में नहीं है कोई भी व्यवस्था। किसी मरीज को अगर दूसरी बिल्डिंग में ले जाना हो तो ले जाने के लिए वार्ड बॉय भी नहीं है, परिजनों को खुद ले जाना पड़ता है। और अभी कुछ समय पहले एक नई बिल्डिंग बनी है अस्पताल में, उसमें लिफ्ट लगी थी मरीजों को लाने ले जाने के लिए, वो भी खराब पड़ी है। शिवपुरी से मोनू नामदेव की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। मेरा नाम रवि रावत है। कहाँ से हैं आप, कौन से गांव से हैं? कानपुर गांव से। तो ये अभी जो बॉडी, ये जो आए हैं, ये पेशेंट आए हैं जी, इनके आप कौन हैं? इनके मैं ताऊ जी का लड़का हूँ इनके। अच्छा, तो आप यहाँ पे मरीज को लेके आ रहे हो अपने हाथ से जी, इस बारे में आपका यहाँ के अस्पताल के बारे में क्या कहना है? कुल मिला के स्टाफ की बहुत कमी है, अमीर लोगों को लाना पड़ता है और लाना पड़ रहा है। और अभी लिफ्ट के बारे में पूछा तो लिफ्ट भी उन्होंने कहा बंद है, लिफ्ट खराब है अभी, तो हम लोगों को ही लाना पड़ रहा है। अटेंडर तो कोई है नहीं यहाँ। और घटना के उससे लेके आया, उनका एक्सीडेंट हो गया और उसमें फादर की इनके एक्सपायर हो गए, तो सुबह पोस्टमार्टम में भी इतना टाइम लगा कि सुबह 9 बजे होना था, वो वैसे भी वो जाके 12 बजे हुआ। और कितनी अव्यवस्था है कुल मिला के स्टाफ की जी, स्टाफ की बहुत अव्यवस्था है, डॉक्टरों की मनमानी जैसा वो है पूरा जी। ओ मेरी बहना, अब बस तुम रोटी मसाले लाओ, ओ अपनी रसोई की तुम बहना, फिर से शान बढ़ाओ। ओ मेरी बहना, अब बस तुम रोटी मसाले लाओ, अपनी रसोई की तुम पर से देखो शान।